Hello guys, welcome to Tech Connect. My name is Anshu and in this video we will learn how to create an image cropper with React and JavaScript. So let's begin. So here is my command line open and I will use create React app command to configure the initial setup of React application. There are also various ways to set up this, but I prefer this command for now. So I will give it a name of image cropper. You can choose as you wish. So it will take some time to configure the setup, and after then we will resume this video. Okay, so as you can see, the setup is completed and now it's time to go to the project directory. So cd image cropper, and I am using Visual Studio Code here. ओके गाइज, सो अभी मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ एंड ये जो हमारा इनिशियल सेटअप है इसे ही हमें एडिट करना है. तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट डायरेक्टरी बना लिया जहाँ पे मेरा सारा कोड रहेगा एंड मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके सारी चीज़ें यहीं पे सेव करूँगा. ठीक है, मैं इसको ना एडिट करके बस यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा. तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक क्रॉपर डॉट जेस. इसी में हमारा सारा कोड होगा, जो भी इमेज फाइल हम इनपुट देंगे या फिर क्रॉप करेंगे या फिर वहीं पे दिखाएंगे. तो ये सारा कोड एक ही जगह, एक छोटा सा कंपोनेंट है, तो बस इसी में रखूँगा मैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट एंड मैं यहाँ पे हुक यूज़ करूँगा. यूज़ स्टेट, क्या हो गया, स्टेट फ्रॉम रिएक्ट रिएक्ट ओके एंड कॉन्स्ट क्रॉपर इज इक्वल टू एक फंक्शन ले लेते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्रॉपर और रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न करें, कुछ भी कर देते हैं अभी के लिए. रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न डिव क्लास नेम कंटेनर, मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है. कंटेनर हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड ओके एंड इसको हम चेंजेस को यहाँ पे हम इम्पोर्ट करके देखते हैं क्या कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा, काम एडिट किया जाए. क्रॉप ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं. ओके, ये हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अभी. npm स्टार्ट, सो ये हमारे चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अब हमें अपना काम करना है. तो हमारी बेसिक नीड क्या है कि एक इनपुट टाइप हो, इनपुट बॉक्स हो जहाँ पे हम क्लिक करें तो एक पॉपअप ओपन हो जहाँ से हम कोई इमेज फाइल सेलेक्ट करें एंड देन हम उस पर ऑपरेशन करें कि क्या हमें क्रॉप करना है, कहाँ पे क्रॉप करना है एंड फिर उसको जब हम क्रॉप कर लें तो फिर उसको सेव करें कहीं पे. ठीक है, ताकि हमें जो क्रॉप किया है वो हमें डेटा दिखे. ठीक है, तो हम उतना अभी करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्रॉपर में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ. dev class name row, dev class name call 6 दे देते हैं सबको एंड यहाँ पे मेरा रहेगा इनपुट बॉक्स. इनपुट टाइप दे देते हैं फाइल, ताकि सिर्फ फाइल सेलेक्ट हो एंड यहाँ पे एक्सेप्ट भी दे देते हैं कि हमें किस तरह की फाइल सेलेक्ट करने हैं. तो हमें सिर्फ इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है, बाकी चीज़ों पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा. ओके एंड यहाँ पे ऑन चेंज पे एक फंक्शन भी मैं कॉल करूँगा, जिससे कि अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने ऑन चेंज में मैंने कुछ दे नहीं रखा. तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट फाइल सेलेक्ट फाइल बाय डिफॉल्ट, क्या हो गया, यूज स्टेट
बाय डिफ़ॉल्ट फाइल की वैल्यू नल दे दी। सेलेक्ट फाइल एक फंक्शन है जो कि इस फाइल की वैल्यू को चेंज करेगा। तो ऑन चेंज पे मेरे पास क्या है, एक इवेंट पैरामीटर आएगा। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट फाइल में कॉल करूँगा, पैरामीटर में पास करूँगा ए डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ ज़ीरो। फाइल्स के ज़ीरो इंडेक्स पे हमारा जो फाइल जो हमने सेलेक्ट किया है, अभी हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल फाइल ही सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी ज़ीरो तो इंडेक्स पे होगा उस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करके इस फाइल आर्ग्यूमेंट में हम सेव कर देंगे। ठीक है, ये वाले हमने फंक्शन कॉल कर दिया और इसने इसको चेंज कर दिया फाइल ऑब्जेक्ट को, फाइल एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, पहले इतना देख लेते हैं काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे देखा कि बस यहाँ पे इमेज फाइल, पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ओके, सो अब हम आते हैं इमेज रिएक्ट क्रॉप कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, इसका नाम है रिएक्ट इमेज क्रॉप। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा और कोड भी गिटहब पे लाइव कर दूँगा, आप वहाँ से पुल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको कॉपी करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इंस्टॉल किए तो कुछ होगा भी नहीं, तो मैं इंस्टॉल करता हूँ और तब तक यहाँ पे जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है मैं उसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्ट, पहले मैं इम्पोर्ट भी कर ही लेता हूँ, इम्पोर्ट सीएसएस फाइल भी इम्पोर्ट कर ही लेते हैं। ओके, एंड एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, यूज स्टेट स्पेक्ट। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अब क्या करना है। ये जैसे भी हमारे पास एक फ़ाइल हो, ठीक है, और सेलेक्ट फाइल ना कॉल करके मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन कॉल करता हूँ, हैंडल फाइल चेंज। ओके, हैंडल फाइल चेंज क्या करेगा, और इसको मैं ओके पहले मैं फंक्शन बना देता हूँ हैंडल फाइल चेंज। ये एक पैरामीटर लेगा इवेंट एंड सेलेक्ट फाइल को ये कॉल करेगा। सेम ही चीज़ हो रही है जो यहाँ पे कर रहा था, मैं वो यहाँ पे कर दिया, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि इसमें यहाँ पे मैं कुछ और भी कर लूँगा। ठीक है, तो अब इसमें मैंने फ़ाइल को चेंज कर लिया। मैं मुझे फ़ाइल की अभी कोई ज़रूरत लग नहीं रही, मैं इसको ब्लॉब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, src सेलेक्ट फाइल, और इसको मैं ब्लॉब बना लेता हूँ ताकि एक ही बार URL हो जाए, मुझे ऑब्जेक्ट से तो कुछ लेना देना है भी नहीं। डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL में मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये मुझे मेरा बन गया ब्लॉब। ठीक है, अब मैं आता हूँ dev क्लास नेम कॉल 6, और इसमें मैं कंडीशन दे देता हूँ कि अगर सोर्स हो तभी हमें ये चीज़ें दिखानी है, अदरवाइज नहीं दिखानी। ठीक है, तो ये वाला हम कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करना बस टाइप ही कर लेते हैं, रिएक्ट इमेज क्या हो गया, रिएक्ट क्रॉप। ओके, ऑन इमेज लोडेड एक फंक्शन ले लेते हैं, ऑन लोड फंक्शन कॉल कर देते हैं, अभी हम इसको बना भी लेंगे, पहले बनाते ही जाते हैं। ठीक है, ऑन लोड इमेज देगा, यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है, ऑन लोड पे इमेज ही लेगा, और इसको हम सेट करते हैं एक और, मैं यहाँ पे स्टेट लेता हूँ कॉन्स्ट इमेज सेट इमेज यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल। तो मैं इसको यहाँ पे ना कॉल करके मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, सेट इमेज सेट इमेज। ठीक है, एंड क्रॉप इज इक्वल टू क्या है, क्रॉप है, इसके लिए हमने एक स्टेट भी मैनेज करा। अब क्या होगा कि इसमें ये जो दे रखा है ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्या होगा कि एक सेट क्रॉप एक मेथड है जो कि जो भी हम क्रॉप करेंगे
चीज़ों को वो सेट करेगा कि कहाँ से कहाँ तक क्रॉप हुआ है, क्या हाइट है, क्या विड्थ है, क्या एक्स है, क्या वाई है, किस स्पेक्ट में है, वो सारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रॉप एक ऑब्जेक्ट होगा और सेट क्रॉप इसको चेंज करेगा। तो हम इसमें पास कर देते हैं क्रॉप, और बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सेट कर रखा है एस्पेक्ट रेशियो 16:9। ठीक है, यहाँ पे हम काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेव कर सकते हैं, जैसे कि एक्स कहाँ से स्टार्ट होना है, वाई कहाँ से स्टार्ट होना है, या फिर विड्थ क्या होनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करते, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देते हैं, मीन्स कि हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे नहीं दे रखी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसे भी कर सकें करते हैं वैसे वो क्रॉप हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया कि कहाँ से कहाँ तक ये क्रॉप हुआ है। एंड ऑन चेंज मेथड है, देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा कॉल हो रहा है। ऑन चेंज पे कॉल हो रहा है, न्यू क्रॉप आ रहा है, और फिर सेट क्रॉप में न्यू क्रॉप पास हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेट क्रॉप। ओके, और कुछ दे रखा है, ठीक है, ऑन इमेज लोडेड, और SRC तो हमने पास करा नहीं। SRC इज इक्वल टू SRC, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्या रिजल्ट आ रहा है जो भी हमने अभी तक किया। मैंने इमेज फाइल सेलेक्ट की, यहाँ पे इमेज फाइल डिस्प्ले हो गया रिएक्ट, अच्छा, और यहाँ पे क्रॉप भी हो रहे हैं। बट आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो भी मैं कितना भी कुछ भी करूँ, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ही रह रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना हो तो मैं यहाँ से करूँगा, जैसे मुझे स्क्वायर इमेज चाहिए, 1:1 कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है, 1:1 आ रहा है। ठीक है, हम कहीं भी कुछ भी करें 1:1 ही आएगा इसमें। तो हम एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट करने के लिए हैं, जैसे कि यूनिट, एक्स यूनिट किस में देनी है, पिक्सल में देनी है, परसेंटेज में देनी है, क्या देनी है, और एक्स ये 130, मतलब काफ़ी सारी हम यहाँ पे चीज़ें सेट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देना है। अब क्या करना है कि जैसे हमने देख लिया कि इमेज हम सेलेक्ट तो कर पा रहे हैं, क्रॉप कर पा रहे हैं, बट उसको हम कहीं सेव अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसको सेव करता हूँ और इस चीज़ को यहाँ ना करके मैं इसी को हाइड कर देता हूँ, इसी पे कंडीशन लगा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर सकूँ, बटन क्लास नेम, बटन डेंजर क्रॉप इमेज। ठीक है, अभी ये दिख रहा होगा, बस अभी तो हमने इस पर कुछ फंक्शनैलिटी लगाई नहीं। ठीक है, सही दिख रहा है। ऑन क्रॉप पे क्या होगा देख लेते हैं, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक मैंने किया तो अभी ना हमने कोई ऐसी फंक्शन नहीं बनाई जिससे कि हम इसको सेट कर पाए कि जैसे कि हमने क्या क्रॉप किया क्या नहीं क्रॉप किया। तो इसके लिए भी अभी हम देख लेते हैं कि करना क्या है। तो यहीं पे जो डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है इसी में ये मेंशनड है, नीचे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे ये एक फंक्शन बना रखा है जो कि एक कैनवस बनाएगा जो भी हमने ड्रॉ किया है। अब हमारे पास क्या है कि एक क्रॉप जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक क्रॉप है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, वहाँ पे सारा कुछ है। तो हम वहीं से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके और एक कैनवस इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे कैनवस इतनी आती नहीं, मैंने HTML फाइल इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको सारी की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो मुझे करनी थी वो मैंने कर दी। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मैं मुझे बेसिकली पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने कैनवस एलिमेंट क्रिएट किया, उसको इमेज जो हमने यहाँ पे सेट कर रखा था उस इमेज के हिसाब से इसको, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से आर्गुमेंट हटा देता हूँ ताकि यहाँ से डायरेक्टली वो फेच कर ले डेटा। तो यहाँ से जो इमेज है, इमेज की नेचुरल वेट डिवाइडेड बाय इमेज डॉट वेट, मतलब स्केल कर रहा है कि क्या हमें स्केल करना है, कितना स्केल करना है, और उसके बाद कैनवास की विड्थ, क्रॉप की विड्थ, और कैनवास की हाइट इज क्रॉप की हाइट। ठीक है, जितना भी हुआ, और फिर एक CTX लिया जो कि ड्रॉ कर देगा उसमें ये सारे पैरामीटर्स पास करके कि क्या करना है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ तो कर दिया, अब सेव सेव कैसे करेगा। तो एक फंक्शन है कैनवास डॉट टू
ब्लॉग कर सकते हैं, या डेटा यूआरएल भी यहाँ पे, डेटा यूआरएल पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको बेस 64 स्ट्रिंग देगा, बट मैं अभी ब्लॉब ले रहा हूँ, बेस 64 भी देख लेंगे। तो ये एक ब्लॉब दिया, क्या हो रहा है ब्लॉब, एंड इसको मैं सेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और यूज़ केस ले लेता हूँ, क्या लिखा जाए, रिजल्ट, सेट रिजल्ट। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टेट हो गए तो मैं इसी में कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या नाम दूँ क्या नहीं दूँ। ठीक है, यूज स्टेट, रिजल्ट की वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नल दे दी। अब क्या किया मैंने कि यहाँ पे एक और, जब मेरे पास रिजल्ट है इसको तभी शो करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं शो करूँगा। जब मेरे पास रिजल्ट है तो क्लास नेम कॉल 6 दे दिया मैंने, और फिर यहाँ पे एक इमेज एलिमेंट, इमेज टैग ले लेता हूँ, इमेज एसआर से इस, एसआर से क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारा जो भी हमने क्रॉप किया, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट को अभी मैं सेट करूँगा, ठीक है, उसके बाद मतलब रिजल्ट एक ब्लॉब ही होगा। ओके, एंड अल्ट दे देता हूँ, अल्ट हालांकि कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉप्ड इमेज, क्लास नेम इमेज फ्लूड, ताकि इमेज कंटेनर के बाहर ना जाए, बस मैक्स टू मैक्स कॉल 6 तक ही रहे। मैक्स टू मैक्स क्या, फ्लूड देने का मतलब कि जो भी कंटेनर है उसके हाइट एंड वेट तो पाई कर लो। ओके, सो अभी हम रिजल्ट पे आते हैं। जब ये ब्लॉब हमारे पास आया तो मैंने क्या किया, सेट रिजल्ट एंड उसमें पास कर दिया मैंने ब्लॉब। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, अभी बटन पे मैंने ऑन क्लिक पे कुछ दे नहीं रखा, मैं इसको कॉल कर देता हूँ, गेट क्रॉप्ड इमेज, ये फंक्शन कॉल होगा जब भी मैं इसको क्रॉप इमेज पे बटन पे क्लिक करूँगा, ये वाली फंक्शन कॉल होगी। और फंक्शन क्या करेगा, ये कैनवस इमेज ड्रॉ करेगा इसके बेसिस पे कि हमने क्या एरिया सेलेक्ट कर रखा है, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर रखा है रिएक्ट इमेज क्रॉप से। ठीक है, और फिर उसको एक ब्लॉब में कन्वर्ट करेगा और ब्लॉब को रिजल्ट पे सेट कर देगा। ठीक है, अब रिजल्ट एक ब्लॉब यूआरएल है जो कि रिजल्टेंट इमेज फाइल की यूआरएल है, और वो यहाँ से हम गेट कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी हमारे पास कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया फाइल 1:1 दे रखा है, अभी मैंने क्रॉप इमेज करते हैं, क्रॉप्ड इमेज, क्यों भाई क्या हो रहा है, सोर्स इज रिजल्ट, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है, सेट रिजल्ट फंक्शन है, कॉन्सोल कर लेते हैं क्या हो रहा है, कॉन्सोल डॉट लॉग ब्लॉब एंड ब्लॉब। ओके, मैंने सेलेक्ट करा ब्लॉब। ओके, ये ब्लॉग कुछ और ही बन रहा है, साइज एंड टाइप। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि बेस 64 में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस एक यूआरएल है, तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसमें कुछ इन्होंने कोई इशू कर रखा होगा या फिर कोई अलग मेथड होगा इसको एक्सट्रैक्ट करने का बस यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने देखा कि बेस 64 इमेज का एक ऑप्शन दे रखा है कि ऐसे मैं बेस 64 इमेज ग्रैब कर सकता हूँ, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ रेदर देन यूजिंग दिस। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लॉब आई एम यूजिंग नाउ बेस 64 इमेज। सो मैं यही पे सेट कर देता हूँ, सेट रिजल्ट बेस 64 इमेज। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सो यहाँ पर मैंने क्रॉप करा, क्रॉप किया, ओ सो ये हमें दिख रही हैं चीज़ें। अब मैं जैसे जैसे यहाँ पे चेंज करूँगा ये भी चेंज होता जाएगा। ठीक है,
मैं इसको फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या मैं जहाँ भी अब चाहूँ, क्योंकि मेरे पास ये अब बेस 64 आ गया है, ठीक है। ये जो आ रहा है इमेज, ये बेस 64 से आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार एस्पेक्ट रेशियो कम करके भी देख लूँ, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 मतलब बढ़ा के 16:9 किया, चूज फाइल किया, ओके। सो नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि रिएक्ट की हेल्प से हम इमेज क्रॉपर कैसे बनाएं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।